आज हम जानेंगे हैकिंग के कितने टाइप्स है। हैकिंग आपको हमने पहले ही बताया, किसी भी कोड को ब्रोक करने को हैकिंग बोलते हैं। और हैकिंग में जो है तीन एसेंशियल टाइप्स आते हैं, तीन एसेंशियल पार्ट्स जो आते हैं हैकिंग में। एक होती है वेब हैकिंग, पहला वाला जो पॉइंट है वो वेब हैकिंग है। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो एक्सप्लॉइट राइटिंग है। और तीसरा वाला जो पॉइंट है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। ये तीन तरह की हैकिंग आती है और इसमें तीन तरीकों से हैकिंग करी जाती है। हर एक तरीके में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग अलग चीजें चाहिए होंगी आपको। उससे पहले नंबर पे आता है, वो आता है वेब हैकिंग। तो देखिए कि आपको पता ही है, दुनिया जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड, यानी जिसे हम बोलते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जो है इन्हीं में सबसे ज्यादा टेक यूज होती है। तो अगर आप वेब हैकिंग करना चाहते हैं या वेब एप्स को हैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपको पता होनी चाहिए HTML क्या होती है, किस लिए HTML, किस चीज के लिए यूज होती है। HTML के बाद आपको पता होनी चाहिए JavaScript के बारे में। JavaScript आपको आनी चाहिए, आपको इससे सीख लेनी चाहिए, आपको सीखनी चाहिए JavaScript। JavaScript के बाद आपको जो है PHP आनी चाहिए। PHP आप सीख लें। और PHP जो है डायनेमिक सर्वर साइड है, डायनेमिक सर्वर साइड लैंग्वेज है। और जो JavaScript है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। तो आपको जो है, आप जो JavaScript होती है वो क्या करती है, क्विक रेस्पॉन्स के लिए, और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसलिए यूज की जाती है, उसके लिए यूज की जाती है। और जो PHP है वो डाटा जो होता है उसके रिलेटेड उसको काम होता है, और क्योंकि वो सर्वर साइड, वो सर्वर पे ही काम करती है। तो इसके बाद आपको एक और चीज है जो वेब हैकिंग में आपको आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये अभी आपको ये डाटा के रिलेटेड, डाटा मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेट के लिए यूज की जाती है। तो वेब हैकिंग के बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सप्लॉइट राइटिंग। और एक्सप्लॉइट राइटिंग जो है, अगर आप किसी भी चीज को हैक करना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लॉइट राइटिंग की जरूरत पड़ेगी। और एक्सप्लॉइट राइटिंग के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, एक तो पाइथन की जाती है यूज, और दूसरा जो है रूबी को यूज किया जाता है। ये दो चीजें जो है, अगर आप किसी भी चीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लॉइट की जरूरत होती है। और एक्सप्लॉइट हमें किन चीजों से मिलता है, या हम किन चीजों में एक्सप्लॉइट लिख सकते हैं, तो एक तो हैकर्स का कहना है कि दो चीजें, एक जो पाइथन है सिक्योर लैंग्वेज है, और ये जो है बहुत सारे टूल्स को बनाने में हमारी मदद करती है। तो आपको पाइथन सीखनी चाहिए और आपको रूबी भी सीखनी चाहिए। आप रूबी में भी एक्सप्लॉइट लिख सकते हैं, आप पाइथन में भी एक्सप्लॉइट लिख सकते हैं। वेब हैकिंग, एक्सप्लॉइट राइटिंग, एंड इसके बाद हमारे पास आता है और एक पॉइंट, रिवर्स इंजीनियरिंग। देखिए सर, रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ही जरूरी है आपके लिए अगर आप जाना चाहते हैं वेब हैकिंग में, या अगर आप जाना चाहते हैं हैकिंग में, तो रिवर्स इंजीनियरिंग आपके लिए जरूरी है। तो अब हम कहेंगे भाई रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कि आप अगर किसी भी कोड को जो लिखा हुआ होता है उसको बाइनरी में चेंज करना, ओरिजिनल कोड को बाइनरी कोड में चेंज करना, और फिर उसे उसी से कोड से और वही सॉफ्टवेयर बनाना जिसमें, या हम कहेंगे जिसमें कोई भी चेंज ना हुई हो, तो इसमें जो हैकर्स के लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वो इससे देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी खामियां हैं जो हमारे लिए अच्छी साबित होगी, या जो हमें चाहिए होंगी। तो हाँ, ये रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए आपको दो लैंग्वेजों की जरूरत है, या तो आप सी सीख लीजिए या C++ सीख लीजिए। तो हम कहेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग को किसी भी हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में चेंज करना, तो फिर उसी लो लेवल कोड को फिर से ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर होगा या जिसका भी ये कोड होगा उस पोजिशन में लाना, विदाउट मेकिंग एनी चेंज, कि कोई भी चेंज करे हुए उसे रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं।
तो आपको बड़ी आसानी होती है जब आप किसी भी सोर्स कोड को देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बना हुआ है, तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि कहाँ 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 पे मैं एक्सप्लॉइट डाल सकता हूँ या कहाँ कहाँ पे मैं जो कहाँ कहाँ जो चीजें हैं वो मेरे लिए आसान साबित होंगी या जिनको मैं क्रैक कर सकता हूँ।